रियासत तेलंगाना में आज कोविड 19 से मुतासिर मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। आज रियासत तेलंगाना में 872 नए मरीज़ सामने आए हैं, मंजर आम पे आए हैं। अगर हैदराबाद की बात की जाए तो आज हैदराबाद में 700 के पार नए मरीज़ पहुंच चुके हैं। एक दिन में 713 नए मरीज़ों का आज इजाफा हुआ है। और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आज 107 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। इस तरीके से हैदराबाद और रंगारेड्डी में मुसलसल आए दिन रोज़ बरोज़ काफ़ी मकदार में नए मरीज़ों का इजाफा हो रहा है। अगर मुकम्मल तेलंगाना की बात की जाए तो आगाज़ से अब तक रियासत तेलंगाना में 8674 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और अब तक जो सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी तादाद 4005 है। और इस वक्त मुख्तलिफ दवाखानों में 4452 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 4 रोज़ से हैदराबाद में मुसलसल आए दिन कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ों का इजाफा होता जा रहा है। आज तो ये आंकड़ा 700 के पार पहुंच चुका है। दिन के अवकात हो या रात के अवकात हो, मुसलसल हैदराबाद में कई एक चाहे वो नया शहर हो या तो पुराना शहर हो, आवाम काफ़ी बिना मास्क के फिरती हुई दिखाई दे रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखने में आ रही है। और रात में 9 बजे के बाद यूँ तो कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू का भी कोई असर हैदराबाद के पुराने शहर या नए शहर में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हैदराबाद में 1000 के पार नए मरीज़ों का इजाफा हो सकता है।